नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया, होम्योपैथ, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड बैचलर थेरेपिस्ट। आज से मैं एक नया सीरीज शुरू कर रहा हूँ, कोलकाता होम्योपैथी टिप्स। जैसे कि आप सबको पता है, मेरे गुरुजी डॉक्टर एस के दुबे जी है, मतलब थे, अभी वो नहीं है, लेकिन उनका नॉलेज आज भी हम लोगों के साथ में है। तो 6 साल मैं उनके साथ में था, उनके चैम्बर में प्रैक्टिस करता था, और जो छोटी छोटी मेडिसिन्स या कुछ बड़ी मेडिसिन्स के बारे में छोटी छोटी टिप्स, तो ये जो टिप्स है ये बहुत अच्छा काम करते हैं। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन ढूंढ लेते हैं, लेकिन फिर भी वो मनचाहा काम नहीं करते हैं। तो ऐसे वक्त ये जो छोटी छोटी मेडिसिन्स है, इनसे एकदम जादुई रिलीफ मिलता है, फास्ट, एकदम झटपट। तो कोलकाता की जो होम्योपैथी, वो फेमस होने के पीछे ये भी एक कारण था कि वहाँ के लोग, वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, उनका काफ़ी एक्सपीरियंस रह चुका है ये ऑर्गेनोपैथिक मेडिसिन्स के बारे में। जैसे वहाँ और भी मैं कई नाम ले सकता हूँ, डॉक्टर एस के दुबे जी है, डॉक्टर एस पी दे हैं। एस पी दे तो जैसे समझो वो हनीमनियन प्रैक्टिशनर थे, लेकिन कभी कभार वो भी ये छोटी दवाइयाँ या बड़ी दवाइयों के ही उनके पास में भी छोटी छोटी टिप्स रहती थी। डॉक्टर सुनिर्मल सरकार है और डॉक्टर बी एन चक्रवर्ती, कई दिग्गज डॉक्टरों के साथ रहने का वहाँ मौका मिला है। और भी कई नाम हैं, जैसे जैसे लेक्चर में जिससे जिससे टिप मिले मैं इससे बताते रहूँगा आपको। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो कई बार होता है कि लोगों को बुखार आता है, और बुखार आया तो एक लोग कॉमनली पैरासीटामोल ले लेते हैं। पहले तो काम वो करते हैं कि बुखार कोई भी होने तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहले पैरासीटामोल ले लेते हैं। ऐसे सुबह लेंगे, शाम को लेंगे, दूसरे दिन लेंगे, शाम को लेंगे, ऐसे करते करते 2-3 दिन में वो बुखार उनका उतर जाता है। अगर वायरल हो तो ही उतरता है, नहीं तो नहीं उतरेगा। लेकिन होता क्या है, 3 दिन के बाद में भी पेशेंट को बुखार तो नहीं है, लेकिन वीकनेस काफ़ी आ जाता है। पेशेंट को ताकत नहीं होती चलने फिरने की भी। तो पोस्ट फीवर, जो पैरासीटामोल से उतरा हुआ बुखार है, उसके लिए एसिड सैलिसिलिक 30 ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन पेशेंट की हिस्ट्री में पैरासीटामोल का इंटेक होना चाहिए, वो ज़रूरी है। तो ये 4-4 गोली दिन में 3 बार अगर लेते हैं तो 2-3 दिन में ही ये वीकनेस काफ़ी कम हो जाता है और पेशेंट फील्स एनर्जी। आइए देखते हैं नेक्स्ट मेडिसिन। एक दवाई है जिसका नाम है मुलेठी या यष्टि मधु, मराठी में उसको बोलते हैं ज्येष्ठमध, और हमारे मेडिसिनल लैंग्वेज में बोलते हैं ग्लाइसिरिजा ग्लैबरा। ये ग्लाइसिरिजा ग्लैबरा जो है, ये जहाँ पर भी म्यूकस मेम्ब्रेन का इन्फ्लेमेशन हो गया है उसको सुदिंग करने का काम करता है। मतलब बीमारी इससे जाएगा या नहीं जाएगा ये अलग बात है, लेकिन कभी कभी ये सुदिंग होना भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जैसे अभी आपने कुछ तीखा खा लिया और उसकी वजह से आपके कोलोन इरिटेट हो गए, उसमें इन्फ्लेमेशन हो गया, अब बार बार लूज मोशन हो रहा है उसकी वजह से, मतलब वो इरिटेट हो गए, अब वहाँ की म्यूकस मेम्ब्रेन को सुदिंग का काम करना है, तो आप ग्लाइसिरिजा ग्लैबरा क्यूब 10-10 बूंद 4-4 घंटे से देते हैं, तो वो म्यूकस मेम्ब्रेन एकदम अच्छे से शांत हो जाएगी और जो इरिटेशन है वहाँ का वो कम होके बीमारियाँ भी ठीक हो जाएगी। तो मतलब इसको IBS में यूज़ कर सकते हैं, कोलाइटिस में यूज़ कर सकते हैं, जहाँ म्यूकस मेम्ब्रेन इरिटेट हो गई है, या और भी जहाँ पर भी आपको लगता है कि म्यूकस मेम्ब्रेन का इरिटेशन है वहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो दूसरा सबसे अच्छा काम इसका गले में होता है। बहुत बार हमारा गला सोर हो जाता है, पेन हो जाता है, हॉक करने के बाद में भी ऐसा करने के बाद में भी वहाँ यहाँ दर्द होता है, इरिटेशन होता है, तो ग्लाइसिरिजा ग्लैबरा 10-10 बूंद ये आप जस्टिसिया के साथ में, और जिसको अडुलसा बोलते हैं, अगर ये मिला के लेते हैं तो बहुत फास्ट रिलीफ हो जाता है। खांसी कैसे भी रहने दो,
गले का दर्द कैसा भी कितना भी सीवियर रहने दो, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन कोई भी आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो दवा के साथ में अगर आप ग्लाइसिरिस या ग्लैबरा के 10 बूंद और जस्टिसिया के 10 बूंद मिला के दिन में 3 बार लेते हो तो ये यहाँ का जो इरिटेशन है वो बहुत फास्ट कम हो जाता है। पेशेंट ये दवाई मांग के लेते हैं कि डॉक्टर साहब आपने वो ग्रीन कलर का और दूसरा एक ब्राउन कलर के ड्रॉप दिए थे ना, वो दीजिए हमको, उससे बहुत राहत होती है। तो इतनी ये इफेक्टिव और गुणकारी दवाई है। देखते हैं अगला मेडिसिन। ये जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ ये टिप, ये डॉक्टर सुनीरमल सरकार की बुक से है और मैंने ये काफ़ी बार आजमाई हुई है। लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ पेशेंट को 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल हो गए डायबिटीज़ को, दवाई भी चल रही है, एलोपैथिक भी चल रही है, होम्योपैथिक चल रही है, जो भी दवाई चल रही है, डायबिटीज़ कंट्रोल में है, बट जो मेटाबॉलिक मेटाबॉलिज्म होता है शुगर का, उससे जो टॉक्सिन्स बॉडी में तैयार होते हैं वो बाद में फिर और भी कई बीमारियां जैसे न्यूराइटिस, बहुत लॉन्ग टर्म डायबिटीज होने की वजह से न्यूरोपैथी एक सबसे कॉमन डिसऑर्डर है। हाथ पैर में जलन होना या फिर टिंगलिंग नमनेस, ये सब सेंसेशन हो जाते हैं। तो अगर आप ये टॉक्सिन्स समय रहते ही क्लियर कर देते हैं तो पेशेंट को न्यूरोपैथी या फिर और भी जो दूसरी बीमारियां होने वाली होती है वो क्लीन हो जाती है शरीर से। तो ये मेडिसिन है हाइड्रेस्टिस क्यू। अब हाइड्रेस्टिस क्यू अलग अलग कंपनी के अलग अलग क्वालिटी होती है। मुझे जो सबसे अच्छा लगा है वो शॉप इंडिया का हाइड्रेस्टिस बहुत अच्छा लगा है। तो इसके 10-10 बूंद दिन में 3 बार अगर आप देते हो तो करीब इसको महीना भर तो भी खिलाना चाहिए, तो काफ़ी टॉक्सिन्स आपके शरीर के बाहर निकल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, डायबिटीज़ वालों को बीच बीच में हाइड्रेस्टिस देना ही देना है ताकि उनके शरीर क्लीन रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे फिट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।